सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि अगर आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट करनी है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट पे गैजेट, टेक, हेल्थ जैसी कैटेगरी बनानी है, तो आप उसमें पोस्ट कैसे करेंगे। जब भी आप उसमें पोस्ट करें तो उस कैटेगरी में ही या फिर उस पेजेस पे ही आपकी पोस्ट जाएं। जैसे कि हमने गैजेट और टेक जैसे कुछ पेजेस बनाए थे और इसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ही हमारी पोस्ट आ रही थी। सो, अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे होता है, कैसे ये पॉसिबल है, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। मेक श्योर कि आप वो वीडियो पहले देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो, गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी वेबसाइट पे फेविकॉन कैसे लगाना है, कैसे जनरेट करना है, एक परफेक्ट साइज कैसे जनरेट करना है। बेसिकली मुझे बहुत दिनों से लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि फेविकॉन हम कैसे जनरेट करें कि वो शो हो। बेसिकली कुछ लोग ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो फेविकॉन लगा रहे हैं, देन उनकी वेबसाइट पे वो शो नहीं हो रहा है। सो गाइस आज इस इशू के भी बारे में हम बात करेंगे कि ये इशू किस केस में आप फेस कर सकते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में फेविकॉन, एप्पल टच आइकन, क्रोम आइकन, ये सारी चीज़ें एक क्लिक में कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस माय नेम इज़ आनंद और आप देख रहे हैं वेब इनसाइट। तो चलो यार ये वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टूल, ऐसा एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एक क्लिक में अलग अलग तरह के आइकन्स, फेविकॉन, एप्पल टच आइकन एक क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और लिखना है फेविकॉन जनरेटर। आपके सामने ये पहला वेबसाइट आ जाएगा, favicongenerator.org। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका इमेज रेडी हो मेक श्योर वो फुल HD में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेबसाइट आपके लिए स्पेसिफिक साइज़ में क्या करेगा, फेविकॉन जनरेट कर देगा। तो सिंपली हम यहाँ से फाइल अटैच करेंगे, जो भी आपको इमेज यूज़ करना है। आज के इस वीडियो में हम ये इमेज यूज़ करने वाले हैं, मैं अपना खुद का यहाँ पे पिक्चर यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। मेक श्योर गाइज कि आपकी इमेज फुल HD में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग साइज़ में क्या करने हैं, आइकन्स जनरेट करने हैं। तो हमने यहाँ पे इमेज अपना अटैच कर लिया, हम क्लिक करेंगे क्रिएट फेविकॉन पे, और गाइज विद इन अ सेकेंड आपको क्या करेगा, ये मल्टीपल फेविकॉन जनरेट करके दे देगा। गाइज यहाँ पे आपको कुछ कोड्स मिल जाएंगे, कुछ मेटा टैग्स मिल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे इनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड द जनरेटेड फेविकॉन पे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी एक फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और ये डाउनलोड भी हो गया। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज आपको ये फाइल्स मिल जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 20 फाइल्स आपको अपनी आइकन्स मिल जा रही हैं। तो ये आइकन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शो होती हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फेविकॉन मिल जा रही है, फेविकॉन का यहाँ पे आपको फुल साइज मिल जा रहा है, यहाँ पे 32 पिक्सल में मिल जा रहा है, 16 पिक्सल में मिल जा रही है। तो बहुत सारे साइजेस हैं फेविकॉन के, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला साइज़ यूज़ करें, 96x96। बाकी हम आइकन्स के बारे में बात करेंगे, इस मैनिफेस्ट जेसन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां से एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं और अपने होम स्क्रीन पे रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, जो वेबसाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उसको मैं क्या करता हूँ, एज अ आइकन क्या करता हूँ, अपने एंड्रॉयड होम स्क्रीन या फिर iOS होम स्क्रीन पे यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे जो आइकन फेच होती है वो फेविकॉन से नहीं होती है, बल्कि यहाँ आइकन से होती है। बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स हैं और मल्टीपल डिवाइसेस के लिए हैं। तो यहाँ पे एप्पल टच आइकन है, एप्पल आइकन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइकन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे क्या होती हैं, शो होती हैं। सो, अगर आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट तरीके से आपका आइकन लोगों के होम स्क्रीन पे शो हो, इन सारे पिक्चर्स को क्या करना है, आपको सारे फाइल्स को अपने रूट डायरेक्टरी में, मतलब कि public_html में क्या करना है, आपको कॉपी करना है, अपलोड करना है। चाहिए तो आप मीडिया लाइब्रेरी से कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फाइल मैनेजर से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इन कोड को उठाना है यहाँ से, और आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में आना है, और यहाँ पे अपीरियंस में जाके आपको थीम एडिटर में आना है, और उसके बाद गाइज आपको थीम हेडर पे आना है। एंड देन आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे
आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है। सो गाइज, इस तरह से आप मल्टीपल आइकन्स लगा सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको फैबिकॉन कैसे जनरेट करना है, कैसे लगाना है। सो यस, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है फैबिकॉन जनरेट करने के लिए। एंड गाइज, आप कस्टमाइज पेज पे जैसे आएंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, देन आपके सामने साइट आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड देन चेंज इमेज पे क्लिक करना है, देन आपको अपलोड फाइल पे जानी है, देन सेलेक्ट फाइल करना है। डेस्कटॉप पे हमने एक्सट्रैक्ट किया था, हम यहाँ से 96x96 वाला इमेज लेंगे एंड देन अटैच कर देंगे। उसके बाद गाइज आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है, आपको स्किप क्रॉप करना है। और गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फैबिकॉन शो होने लगा, कितना परफेक्ट तरीके से दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा और जूम करके क्रॉप करते तो आई बिलीव मेरा फेस और भी ज़्यादा विजिबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे और किस केस में आपको फैबिकॉन शो नहीं होती है। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कैश और कुकीज़ के लिए अपनी वेबसाइट पे कैश प्लगइन यूज करते हैं, जैसे W3 टोटल कैश, WP रॉकेट, स्विफ्ट परफॉर्मेंस, लाइट स्पीड कैश। ये बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन है। बेसिकली ये प्लगइन क्या करती है कि आपके इन इमेजेस को या फिर फैबिकॉन को कैश ड्यूरेशन के हिसाब से 12 आवर, 15 आवर या फिर 4 दिनों के लिए क्या करती है, आपकी ब्राउज़र पे ही सेव रखती है। तो ऐसे केस में जब भी आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा शो होता है वो आपके ब्राउज़र से फेच होता है, ना कि कहीं से सर्वर से, क्योंकि वो कैश में स्टोर्ड है और एक रूल के हिसाब से स्टोर्ड है। तो गाइस, जब भी आप फैबिकॉन जनरेट करें, मेक श्योर कि आपको अपना कैश प्लगइन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको डीएक्टिवेट कर ले रहे हैं। और या फिर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कैश क्लियर करके चेक करें, नहीं तो आपको आपका फैबिकॉन कुछ स्पेसिफिक टाइम तक नहीं दिखेगा। तो गाइज, जब भी आपका फैबिकॉन जनरेट हो जाए सिंपली आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। और गाइज आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी वेबसाइट पे फैबिकॉन जनरेट हो गया। और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी फैबिकॉन शो हो रही है कि नहीं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फैबिकॉन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी में यहाँ पे शो हो रही है। सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि फैबिकॉन आप कैसे जनरेट करेंगे। एंड स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन और यहाँ तक कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी वेबसाइट का लिंक, डील्स के लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग।